हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से अगली टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए हमारी टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया की कोटि की एक सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे। तो बहुत ही आसान शब्दों में यदि हम परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं, अभिक्रिया के दर समीकरण में प्रयुक्त अभिक्रियकों की सांद्रता पदों के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसके साथ ही एक बात और भी आपको ध्यान रखना है, किसी एक अभिक्रियक की सांद्रता पद के घातांक को उस अभिक्रियक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब थोड़ा सा और हम क्लियर कर लेते हैं इन परिभाषाओं को। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम मान लेते हैं एक सामान्य अभिक्रिया है जिसमें ए और बी अभिक्रियक हैं, जिनसे उत्पाद यानी प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। और इस अभिक्रिया का जो दर नियम है वो हम लिख रहे हैं आर बराबर के ए की सांद्रता का घात एक्स और बी की सांद्रता का घात वाई। अब यदि आपको कन्फ्यूजन हो कि ये दर नियम क्या होता है, दर नियम को ही दर समीकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेट लॉ आर रेट इक्वेशन, ये कैसे लिखा जाता है और इसका क्या महत्व है, तो इसके लिए आपको एक लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके आप वीडियो को चेक कर सकते हैं और इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो यहाँ पर जो R है वो है अभिक्रिया की दर, K को हम कहते हैं वेग स्थिरांक, और ये जो बड़ा वाला कोष्टक है ये प्रदर्शित करता है A की सांद्रता को, और यहाँ पर B की सांद्रता है। आप देखेंगे कि इस दर नियम या दर समीकरण में जो सांद्रता पद हैं अभिक्रियक के ए और बी, इनके कुछ घात हैं। यदि इन घातांकों को हम जोड़ देंगे तो हमको अभिक्रिया की कोटि प्राप्त हो जाएगी, जैसा कि अभी हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा। तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। अभिक्रिया की कोटि के लिए हम क्या करेंगे, किसी अभिक्रिया के दर नियम में जो सांद्रता पद के घातांक हैं उसका योग कर देते हैं तो अभिक्रिया की कोटि प्राप्त हो जाती है। तो हम लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि बराबर एक्स प्लस वाई। अब यदि बात करें हम लोग किसी एक अभिक्रियक के घात की, तो यहाँ ए का घात जो एक्स है इसको हम कहेंगे ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। तो ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि होगी एक्स और बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि होगी वाई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रिया की कोटि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर वन शून्य कोटि की अभिक्रिया, और नंबर टू प्रथम कोटि की अभिक्रिया, नंबर थ्री द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और लास्ट और नंबर फोर तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इस वीडियो में मैं बस इतना ही लेके चल रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियो में मैं इन चारों को बारी बारी से आपको विधिवत एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में।